और उस परमेश्वर पे भरोसा रखोगे, मैंने जो आपको कहा, आप जिस काम के लिए यहां खुद को नियोजित किए हो, जिसका मजदूरी आप कल चाहते हो, पद प्रतिष्ठा और सफलता के साथ आपको मिले, उसी के लिए आज से प्रस्तुत करना खुद को, क्योंकि जिसका आज अभी बेहतर होगा उसका कल भी उतना बेहतर होगा। अगर आज आप बेहतर नहीं हो, बढ़िया नहीं हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, तो कल भी अच्छा नहीं हो। मैंने जो सवाल आपको पूछा, ये विद्यार्थी का अर्थ, आप कभी घर जाओगे तो गांव में जो भाई बहन बेकार बैठे हैं, ये सेम सवाल है, उन्हीं से पूछना, भैया ये विद्यार्थी का अर्थ क्या है, मुझे थोड़ा बता दो, या बड़े दीदी बता दो, देखना सेम आपको बोलेगा, जा गूगल कर ले, रुक थोड़ा बाद में बताता हूँ, अगर वो बेकार बैठा होगा तो। क्योंकि ना काबिल व्यक्ति कभी बेकार नहीं बैठता है, वो कुछ अपने साथ कर लेता है, कुछ ढंग का कर लेता है। उन्होंने भी यही किया, विद्यालय में आया, 13,000 घंटे दस्तक रहा और आगे न जाने कितने हजार घंटे, करीब 20,000 घंटे उसने बैठ कर मस्ती कर कर मजा कर कर किसको उंगली कर कर न जाने क्या क्या कर कर बिता दिया, और यहां से एक सर्टिफिकेट लिया यूनिवर्सिटी वाला, और बाहर जाके घर में बैठ गया, बोला विद्यालय अच्छा नहीं था, टीचर अच्छे नहीं थे, पिता माता मुझे अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाए, किसी ने कोई अच्छा सहयोग नहीं किया मेरे, इसलिए आज मैं बेकार हूं, और समाज को, परिवार को, सरकार को, सबको कोसता है। आपको पता है ऐसे भी व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति, आप जब विद्यालय में बैठते हो ना, दोनों तरफ खिड़कियां होती है कि नहीं, आप दोनों तरफ देखो, एक तरफ देखोगे एक व्यक्ति कुछ मिट्टी में पत्थर उठा रहा है, कुछ काम कर रहा है, कोई फावड़े में खोद रहा है, ऐसे काम करता है, और इस विद्यालय के बाहर देखोगे कोई आदमी बड़े से कार में आता है कि नहीं, ये दोनों उस उम्र में विद्यालय के अंदर देखते हैं, जैसे आप विद्यालय से उन्हें देखते हो, वो भी दोनों आपको देखते हैं, जो फावड़ा के साथ है वो क्या बोलता है, और ये जो कार में है 20 लाख 15 लाख की, ये क्या बोलता है, सुनोगे? ये 20 लाख वाला व्यक्ति बोलता है, अगर विद्यालय नहीं होता तो आज मेरे हाथ में कार नहीं होता, क्या नहीं होता, ये विद्यालय था बोल के आज मेरे पास कार है, मैं कार में आ रहा हूं, क्यों ना, यही विद्यालय मेरे को मौका दिया कि मैं कुछ बनूं। और यही विद्यार्थी जो बाहर देखता है, दूसरे वाला जो अंदर देखता है, तो दूसरे वाला बोलता है शायद मैंने अच्छा किया होता, विद्यार्थी का अर्थ कर्तव्य गुण चरित्र समझा होता, जो जीवन मुझे मौका मिला उस मौके का अगर मैं सही फायदा उठाया होता, शायद आज मैं फावड़ा के साथ नहीं, या कोई दूसरे छोटे कर्म नहीं, कुछ अच्छा कर रहा होता। तो आज भी आपके पास यही सवाल है, आप क्या चाहते हो कल, ये फावड़े के साथ रहोगे, या इससे नीचे रहोगे, या इससे नीचे रहोगे, या ये कार वाला इंसान जो 15 लाख में आता है, पद प्रतिष्ठा सफलता के साथ, इससे ऊपर जाओगे या इससे और ऊपर जाओ, ये सारा आप पे निर्भर करता है। अगर मैं आपको दो फूल दूं, एक असल वाला एक नकल वाला, कौन सा पसंद होगा आप? असल वाला पसंद होगा कि नहीं? क्यों? इसीलिए कि असल वाला फूल में असलियत है, यानी सुगंध है, उसका कोई पहचान है कि नहीं? और नकल वाला कागज का फूल में ना खुशबू है, ना कोई उसका पहचान है, किसी ने उसको बनाया है, ये बनावट है, ये असल है। ये कागज वाला फूल घर सजाने में काम आता है, लेकिन ईश्वर की पूजा में आता है, आता है नहीं आता है। अगर विद्यार्थी भी ऐसे होता है, अगर आप विद्यार्थी हो तो आप में प्रतिभा होगा, जैसे फूलों में सुगंध होता है, ऐसे आप में भी सुगंध प्रतिभा होती है, और ये प्रतिभा आपको बनाना पड़ता है, इसको प्रस्फुटित करना पड़ता है। जैसे फूल खिलता है तो उसमें सुगंध निकलता है, ऐसे विद्यार्थी अगर खुद को प्रस्फुटित करेगा, खुद को खिलाएगा, तो उसमें भी
सुगंध रूपी प्रतिभा बाहर आएगा। आप सभी को पता है, आप सब एक एक रत्न हो। क्या हो आप सब? क्योंकि ना आप सब ईश्वर की संतान हो, इसीलिए आप सब एक एक रत्न हो।